Assalamualaikum, hello my youtube family welcome to my channel pure heart with Medija. kindly subscribe my channel Like this video And hit the bell icon ting 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 for me for the video. So let's get start the video आज मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ी चाट बहुत ही डिफरेंट वे में बहुत ही मज़े की बहुत डिलीशियस इसको बनाना बहुत इजी ईजी मेथड है इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए थे आधा किलो चने इसको मैंने पहले बॉईल करके रख लिया था और इसके बाद ये देखें इसमें मैं ऐड कर लूँगी आलू आलू भी मैंने बॉईल करके इस तरह से कट कर लिए थे चारों दर्द आलू को मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी और आलू ऐड कर लेने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज उसे चॉप करके इस तरह से उसे मैं ऐड कर लूँगी और प्याज डाल लेने के बाद मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्च एक अदद हरी मिर्च थोड़ी सी तीखी थी इसलिए सिर्फ़ एक ही हरी मिर्च मैंने कट कर करके इसमें ऐड की है फाइन चॉप करके हरी मिर्च ऐड कर दें और हरी मिर्च ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी फ़ाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरा धनिया ऐड कर लेने के बाद हरा पुदीना जो है वो मैंने फ़ाइन चॉप करके डाल लिया था दोनों आपके अपनी चॉइस पे हैं जितना आप पसंद करते हैं उतना ये दोनों ऐड कर लें और इसके बाद ऐड कर लूँगी वन स्पून नमक नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं इसमें और नमक ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं ऐड कर लूँगी लाल मिर्च लाल मिर्च मैं ऐड करूँगी क्वार्टर स्पून और लाल मिर्च ऐड कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर लूँगी मैं चाट मसाला चाट मसाला भी क्वार्टर स्पून ही इसमें ऐड कर रही हूँ और चाट मसाला ऐड कर लेने के बाद अब इसमें ऐड कर लूँगी गरम मसाला गरम मसाला सिर्फ़ दो चुटकी मैंने इसमें ऐड किया है पिसा हुआ गरम मसाला और इसके बाद एक चुटकी क्लौची तरूसी पड़ वो मैंने ऐड कर ली और साथ ही ये इमली का बहुत गाढ़ा सा पल्प देखें जैसे आपको नज़र आ रहा है कितना गाढ़ा है ये पल्प इसके मैं चार टेबल स्पून ऐड कर लूँगी आप सिर्फ चार से पाँच टेबल स्पून ही ऐड करें इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना ये बहुत ड्राई सी चाट बनती है इसको हमने बहुत ज़्यादा इमली का पल्प डाल के गीला गीला नहीं करना और इसके बाद मैं कर लूँगी इसे अच्छा सा मिक्स ताकि सारी जो चीज़ें हैं जो मिसाले हैं और जो आलू बॉईल किए हुए हैं पुदीना हरी मिर्च सब अच्छा सा मिक्स हो जाए इसमें और ये देखिए जैसे ही सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई ये अब मैं जो इसमें ऐड करूँगी वो ये पापड़ी है जो मैं आपको इंस्टेंट पापड़ी पहले अपने चैनल पे बताना बता चुकी हूँ वो मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप जाकर चेक कर लें और इसके साइड पर मैं अब इस तरह से ये पापड़ी सारी रख लूँगी ये जब आपने सर्विंग करनी है तब आपने पापड़ी ऐड करनी है पापड़ी को आपने पहले ऐड नहीं करना और इसी तरह से अगर आप ये कराची चाट बनाना चाहते हैं जिस तरह से फेमस होती है कराची की पापड़ी चाट तो आप इसमें आधा कप दही ऐड कर लें मैं इसमें देखी नहीं ऐड कर रही क्योंकि मुझे जो क्रिस्पीनेस है वो इस पापड़ी की चाहिए और चने भी सॉफ्ट हैं आलू भी सॉफ्ट है तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत मजे का बनता है बहुत डिलीशियस बनता है और हेयर द फाइनल लुक इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया था हरा धनिया इस पर स्प्रिंकल करके लाजमी आप ट्राई करें बहुत मज़े की बनती है वीडियो को लाइक करें एफर्ट्स को लाइक करें चैनल को कर सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दुआओं में मुझे और सबको याद रखें अल्लाह तम सब के रिस्क में बरकतें अल्लाह ताला हम सब को हमेशा अपने हिफ्स मान में रखें तो लास्ट में आप ट्राई करें और मुझे लास्ट में अपना फ़ीडबैक दें ये देखें कितनी अच्छी कितनी इसकी लुक कितनी अटेम्प्टिंग लग रही है आप इसे ईद पर भी बना के रख सकते हैं अपने गेस्ट के आगे बहुत इंजॉय करके खाएंगे एंड फ्रॉम माय साइड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्माइलिंग टेक केयर अल्लाह हाफिज़ बाय बाय